हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक जो कि मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है। गाइस, आपको डेफिनेटली ये लुक पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आया तो कर सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट ऑन बिलो। गाइस, आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं फेस्टिव पर्पज से या फिर वेडिंग पर्पज से भी इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने लेंस वेयर किया है। ये है इन दिस शेड ग्रे है और मैंने पैक का यूज़ किया हुआ है, वेयर किया हुआ है। और स्टार्ट करेंगे हम लिप से, तो मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का लिप मॉइस्चराइज़र, और यहाँ पर फेस के लिए मैंने लिया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि गाइस आपको डेफिनेटली ऑयली स्किन यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जो कि होता है अपने ओपन पोर्स को फिलअप करने के लिए, जो गड्ढे से होते हैं ना वो फिलअप करने के लिए होता है, जिससे अपने फाउंडेशन जो इजीली अप्लाई हो जाए और अंदर तक ना जाए। इसलिए तो मैंने यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करके अप्लाई कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कंसीलर के लिया है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि 01 शेड है। यहाँ पे मैंने जो मेरे फेस पे जो डार्कनेस दिख रहे हैं या फिर पिगमेंटेशन दिख रहे हैं जो कि ब्लैक से, उसे हाइड करने के लिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है जो कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया या फिर ये यूज़ नहीं किया अब तक, तो फिर आप तो आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो आप इसे बिल्कुल बाय कर देख सकते हैं। गाइस, आपको ये मिल जाता है, रिटेल करता है 199 रुपीज़ ऑफ़र बेस पे। अभी जैसे कि आपको पता ही है कि अभी चल रहे हैं फेस्टिव सीज़न पे चल रहे हैं अभी सेल, तो आप ले सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है ये एक, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है अप्लाई करने के लिए, चाहे तो ब्रश की हेल्प से या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करने का सही तरीका होता है कि आप इसे गीला कर लें, जितनी पानी होती है उसे अच्छी तरह से निचोड़ लें, उसके बाद आप यूज़ करें, जिससे कि आपका बेस मेकअप अच्छा होगा और ब्लेंड भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। अदरवाइज़ नहीं तो आपके जो प्रोडक्ट होंगे अगर ड्राई यूज़ करेंगे तो वो स्पंज में ही मतलब सोप कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। और ब्लेंड भी कर लिया है अच्छी तरह से फेस एंड नेक पे। नेक्स्ट मैंने लिया है सुगर का फाउंडेशन, मैंने लिया है जो कि सीरम फॉर्म में आता है। गाइस, मेरा शेड नंबर है 42। अगर आपकी भी स्किन रिकॉर्डिंग है तो आप ये बिल्कुल ले सकते हैं, सुगर की वेबसाइट में बिल्कुल अवेलेबल है। और मैंने इसे ड्रॉप पे नहीं, जो ड्रॉप पे लगे हुए थे वही प्रोडक्ट लिए हैं, अदरवाइज इसमें ये प्रोडक्ट में 3 ड्रॉप ही इनफ होते हैं गाइस, इसलिए ब्लेंड हो जाते हैं और अप्लाई करने में किस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती। और ये मैंने स्पंज की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है अपने फेस एंड नेक पे, इसी बिल्डअप हो जाते हैं ये फाउंडेशन। देख सकते हैं कहाँ गया अपना फाउंडेशन, कुछ पता नहीं गाइस। तो आप इसे बाय करके ज़रूर देखें, सुगर की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी 400 समथिंग में मिल जाएगा प्राइस, तो आप ये देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसे। नेक्स्ट मैंने कंसीलर के लिया है 01 मेरा शेड है, और ये है कलर बार का कंसीलर, तो जहाँ मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ मैंने अप्लाई किया है। अपने आईज अराउंड और फोरहेड और चिन, नोस, ब्रिज अप दी नोस, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है अपने अच्छी तरह से हाईलाइट करने के लिए, और बिल्कुल बटरी सॉफ्ट है गाइस। कलर बार के प्रोडक्ट मेरे सारे फेवरेट हैं, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो करके देख सकते हैं, अगर इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। 600 समथिंग इसका प्राइस होता है, 699 रुपीज़। अभी ऑफर प्राइस पर आपको कम प्राइस में मिल जाएगा तो आप कर सकते हैं चेकआउट, दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से फिर जा करके आप बाय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सेम स्पंज से जो ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से। मुझे लग रहा है गाइस मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया हाईलाइट,
तो दिख ही रहा है मेरे फेस पे। ओके इट्स ओके, हम कर लेंगे। ओके नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे कॉम्पैक्ट के लिए मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया है। सॉरी गाइस मुझे सेड नेम याद नहीं है, सेड नंबर भी होते हैं इसमें अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ही लें। और दरअसल मैंने इसे जब बाय किया था तो मुझे ये टूटे हुए रिसीव हुए थे, तो मैंने देखा भी नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे एक ड्राई स्पंज की हेल्प से यूज़ किया हुआ है, और बोलना चाहिए बैक करने के लिए मैंने यूज़ किया है। और नेक्स्ट हम आई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लाइट सेट था इस पैलेट में वो मैंने यहाँ पे पूरी आईलेट पे अप्लाई किया हुआ है ट्रांजेक्शन सेट के लिए, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे तरह से ब्लेंड कर लिया है। और एक मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लिया है। गाइस अगर आपको आई शैडो अप्लाई करने में दिक्कत होती है तो आप ये कर सकते हैं कि एक फ्लैट ब्रश पे या फिर अपनी आईलेट पे फिंगर की हेल्प से, भी अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से अपन डैबिंग मोशन में अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद एक फ्लफी ब्रश से अच्छे तरह से ब्लेंड कर लीजिए, दैट्स इट। तो इससे आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई सिमरी शेड यूज़ करना है तो वो भी अपने फिंगर की हेल्प से डैब डैब कीजिए, दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश लिया है, जो बेक करने के पाउडर यूज़ किया था उसे अपने फेस पे हटा लिया है, और देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से हटा लिया है। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा मैंने अधूरा लग रहा है अपना आई लुक, थोड़ा और ब्लेंड होना चाहिए। तो मैंने जो अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे आईलेट पे वो कलर को अच्छी तरह से ले करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है अगेन। और नेक्स्ट मैंने काजल के लिए लिया है यहाँ पे फेसेस कनाडा का काजल, जैसा कि अभी आपको पता ही कि ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी स्मज आईलाइनर, तो वो मैंने काजल की हेल्प से भी किया है। अगर आप आपके पास अवेलेबल है जो जेल आईलाइनर होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं आप पहले ही, लेकिन एक आई पे कीजिए क्योंकि वो क्या होता है जल्दी से सूख जाते हैं, तो वो आप एक आई पे ये प्रोसेस कर लीजिए, उसके बाद अगेन जो है दूसरी आई पे कीजिएगा। तो ये मैंने किया है और सेम ब्रश मैंने स्मज आउट कर लिया है, देख सकते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम किया था और मुझे काफ़ी पसंद आया इस तरह का लुक। और नेक्स्ट आई पे भी मैंने प्रोसेस कर लिया है ऑफ कैमरा, और यहाँ पे मैंने लिया NYBA का ब्लू काजल लिया है, जो कि कोल काजल आता है। ये मैंने ब्लू इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो आई लुक के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने इसलिए प्रोसेस किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आपके पास हो तो ये कर सकते हैं, बाकी मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। आप ट्राई करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में आप कर सकते हैं टैग, तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आईब्रो के लिए लिया है, ये मैंने लिया था मिनीसो से और ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि जो इसकी लिड है मतलब लिटिल बिल छोटी सी है, तो उससे क्या अगर आपकी भी आईब्रो अगर मेरी तरह से हल्की है तो आपके लिए अच्छी रहेगी। और मैंने यहाँ पे स्लो मोशन में मतलब स्लोली स्लोली मैंने ये किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिससे क्या आपका आईब्रो अभद्र ना लगे, अभद्र मीन्स ओवर ना लगे, मतलब कि आपने एकदम फेक आईब्रो होते हैं उस तरह से ना लगे, इसलिए मैंने यह हल्के हल्के हाथों से किया हुआ है। और आप लास्ट में देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छी बात ये थी कि बैक साइड में यहाँ पे पाउडर भी दिया हुआ था, तो वो भी मैंने इस वीडियो में यूज़ किया हुआ है, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि बैक साइड में इस तरह से पाउडर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं अपनी आईब्रो कितनी फाइन लग रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई आईब्रो इस्तेमाल किया हुआ है। और कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे जो सेम पैलेट यूज़ किया था उस पैलेट में जो डार्क शेड थे वो मैंने यहाँ पे लिया है कॉन्टोरिंग के लिए, और मैंने अच्छी तरह से ब्रॉन्ज अप कर लिया है। एक फ्लैट ब्रश था जो कि आई थिंक कॉन्टोरिंग ब्रश ही था, उससे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टोर ब्रश से ही करें, आपके पास कोई भी ब्रश अवेलेबल है तो उससे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लश के लिए मैंने लिया है SFR का ब्लश पैलेट, ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से और काफ़ी मैट है तो मुझे पसंद आया। और नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए है वेट एंड वाइट का मैंने हाइलाइटर लिया है। गाइस बिल्कुल बटरी सॉफ्ट है और ये जो है बिल्कुल इसमें चंकी पार्टिकल्स होते हैं ना वो नहीं है, तो उस वजह से मुझे अच्छी लगी है। मैंने पहली बार बाय किया हुआ था, इससे बाद आपको एक हॉल वीडियो देखने को मिलेगा तो वो ज़रूर देखेगा।
और यहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी है वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट कर लिया है और नोज़ कॉन्टोर भी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मस्कारा के लिए लिया है, यहाँ पे मैंने बैला हॉल वॉश का जो मेरा फेवरेट है। अगर आपको वाटरप्रूफ नहीं चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर देता है आपके लुक, जो लुक मतलब जो आपके आईलैशेस हैं उसे फ्लटरी लुक देता है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको लैशेस इस लुक में अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर ट्राई नहीं किया है। और सेम हाइलाइटर पैलेट से मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है। और लिपस्टिक के लिए लिया है मैंने यहाँ पे करार बार का लिपस्टिक, 23 शेड नंबर है इसका। और थोड़ा मुझे ज़्यादा वॉशअप लगा तो मैंने नायका का भी एक लिपस्टिक लिया हुआ है थोड़ा टोन डाउन करने के लिए। और नायक यहाँ पे NYB का मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप फिक्सर। तो और देन अगेन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है थोड़ा और, ये रहा मैंने फाइनल फिनिश लुक। गाइस लुक कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। आपको किस तरह से वीडियो देखनी है वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे।